गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज डे 70। जब भी बारिश इतनी होती है, बाहर वर्कआउट करने का प्लान सारा बिगड़ जाता है। के अंदर जो मैं सेल्फी लेता था ना अपनी, वो मैं इस साइड लिया करता था, बट यहाँ पे हर जगह पानी भरा हुआ है। वैसे कोई भी चैलेंज अटेम्प्ट करो, लास्ट के जो बचे हुए दिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें मोटिवेशन नहीं आता। क्योंकि लास्ट के 5 दिनों में तो आप ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज अपनी फिजिक में नहीं ला सकते, बट चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए अपनी मेंटल जो अचीवमेंट, मतलब मन को लगे कि आपने चैलेंज अचीव किया, ये 5 दिन कंप्लीट करना ज़रूरी है। यहाँ पर वेट्स हैं बट इतनी वैरायटी के वेट्स नहीं है, तो ज़्यादा अलग अलग तरीके की वर्कआउट मैं नहीं कर पाऊँगा। सो मैंने सोचा है कि एक ही चीज़ करूँ और उसी के 100 रेप्स मारूंगा। इसके अलावा चेस्ट की वर्कआउट भी यहाँ पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि बारिश की वजह से बेंच वगैरह गीले हैं। सो शाम के वर्कआउट में मैं पुशअप्स कर लूँगा, जिससे कि मेरा पूरा फुल बॉडी कवर हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने स्क्वाट से, 100 स्क्वाट्स लगाए इस बारबल की हेल्प से। फिर सेम बारबल से, जो कि काफ़ी हैवी था, मैंने शोल्डर की वर्कआउट करी, शोल्डर प्रेसेस लगाए इससे। बारिश का मौसम हो गया था, जल्दी जल्दी करना था, तो मैंने फिर इसी से ही बैक की रोज लगाई और आप देख सकते हो कि बारिश होने लग गई थी। बाइसेप कर्ल्स लगाने के बाद मैंने वर्कआउट यहीं पे ख़त्म करी। इसके बाद मैं चले गया होटल और यहाँ पे कुछ भी जुगाड़ करके दही पीनट्स ये सब मैं खा रहा हूँ, क्योंकि मैं अनहेल्दी खाना नहीं खा सकता। शाम में मैंने करी 20,000 अप्रॉक्स वॉकिंग, देन पुशअप जैसा मैंने मॉर्निंग में बोला था, देन फिर डिनर के लिए मैं चले गया और ये है मेरा डिनर। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि बिजी हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं मिस भी नहीं करना चाहता। लास्ट में रात में 10 पेजेस पढ़ के मैं सो गया। मिलते हैं कल, बाय बाय।